रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रसूल कि इनके जैसा कोई नहीं, इनके जैसा कोई नहीं। अगर इबादत का मामला आया तो रसूल मेरे नबी के जैसा कोई आबिद नहीं, अगर शहादत का मामला आया तो मेरे नबी जैसा शाहिद नहीं, शफ़क़त का मामला आया तो मेरे नबी जैसा शफीक नहीं, डराने की बात आई तो मेरे नबी जैसा नज़ीर नहीं, रिसालत की बात आई तो मेरे नबी जैसा रसूल नहीं, नबूवत की बात आई तो मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, अमानत की बात आई तो मेरे नबी जैसा अमीन नहीं, बचपन की बात आई तो मेरे नबी जैसा बचपन किसी का नहीं, जवानी की बात आई तो सारी कायनात में मेरे नबी जैसा जवान नहीं, तिजारत की बात आई तो मेरे नबी जैसा ताजिर नहीं, हिजरत की बात आई तो मेरे नबी जैसा महाजिर नहीं, सखावत की बात आई तो मेरे नबी जैसा सखी नहीं, उस घर की बात आई तो ऐसा घराना सारी दुनिया में नहीं, मेरे नबी की आल की बात आई तो सारी दुनिया में किसी की आल नहीं। इसीलिए किसी आशिक ने बड़ा खूब कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमारी उम्मत की माओं के बारे में कि आप आम औरतों की तरह नहीं है, मेरे नबी की वालिदैन की बात आई तो उन जैसे किसी के वालिदैन नहीं, मेरे नबी के शहर विलादत की बात आई तो मक्के के जैसी शहर कोई सारी दुनिया में नहीं, मेरे नबी की मस्जिद की बात आई तो काबे के बाद अगर कोई मस्जिद है तो मेरे नबी की है, किताबों की बात आई तो कुरान जैसी कोई किताब नहीं, उम्मत की बात आई तो मेरे नबी की उम्मत की जैसी कोई उम्मत नहीं। इसीलिए मेरे नबी सिर्फ नबी नहीं है, मेरे नबी बल्कि हजरत आदम से हजरत ईसा नबी है, मगर मेरे नबी आखिरी नबी है, मेरे नबी सुबह क़यामत तक नबी है, मेरे नबी हजरत आदम से पहले भी नबी थे और मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं।